श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो हर मनुष्य को जानना चाहिए श्रीमद् भगवत गीता की ये 18 ज्ञान की बातें। आनंद अपने ही अंदर निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे अपनी स्त्री में, घर में तथा बाहरी सुखों में खोज रहा है। भगवान का बंधन केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए, क्योंकि बंधन भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा जैसी गुण सत्संग के बिना नहीं आती। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। जवानी में जो ज्यादा पाप करता है उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। भगवान जिसको सुख संपत्ति दी है, संपदा दी है, उसे एक गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, असत्य, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का निवास होता है। अपने मन को बार बार समझाओ कि इस सिवाय, ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। अपने मन से हमेशा विचार करो कि मेरा ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं। योग में अक्षणिक सुख है और त्याग में अस्थाई आनंद है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलती है, परंतु कुसंग में पड़ना तो मनुष्य के हाथ में। लोभ और ममता पाप के माता पिता है। लोभ पाप का बाप है और ममता पाप का माता है। स्त्री का धर्म है प्रतिदिन तुलसी और माता पार्वती का पूजन करना। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत करो, ये बार बार तुम्हें धोखा देता है। अपने को निर्दोष मानना उससे भी बड़ा धोखा है। अगर पति पत्नी पवित्र जीवन बिताते हैं उस घर में भगवान भी आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों को जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। तो बोलिए जय सियाराम, जय जय सियाराम।